जैकी चैन, ब्रूस ली, टोनी जा, मतलब मैंने तो टीवीज और इसमें ही मतलब ये कराटे देखा है, कराटे देखा है, तो ये सेम है या अलग है? ग्रैंड मास्टर ब्रूस ली, जैकी चैन और टोनी जा, ये जो करते हैं ये कुंग फू करते हैं। तो कुंग फू और कराटे मतलब अलग अलग है? हाँ, ये सब अलग अलग सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो बातें और चाय विद आलोक शर्मा में। आज हमारे बीच वो शख्सियत है जिसने स्लम में रहकर स्ट्रगल कर कर एक ऐसा सफ़र तय किया जो उससे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गया कराटे के थ्रू, और साथ ही साथ उसने कई बच्चों के साथ फिर से इंटरनेशनल लेवल तक वही सफ़र आगे तय रखा और बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारे अलग अलग पद पर वो गया। ये और कोई नहीं बल्कि इनका नाम है अक्षय चौरे, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये है सेंसेई अक्षय चौरे। तो अक्षय हाय, हेलो। बताइए अक्षय कि कब कराटे की शुरुआत हुई और कब वह आपको ऐसा लगा कि आपका करियर बन सकता है? सबसे पहले मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगा। हाँ, कराटे नहीं होता है, कराते होता है। कराटे नहीं होता, ये दो वर्ड से मिला हुआ यानी पूरा सेंटेंस है। करा यानी खाली होता है, ते यानी हाथ होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कराते या खाली हाथ से की जाने वाली कला है। तो तो ये कराटे नहीं होता ना। लो भाई, अक्सर हम लोग कहते हैं, अक्सर मैंने लोगों के मुंह से भी यही सुना है कराटे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो कराते हैं मतलब? कराते हैं ओ हम अपनी पकड़ लीजिए इंडियन लैंग्वेज में उसको हम कराटे बोलते हैं, पर जापनीज में उसको कराते ही बोलते हैं। कराते, इन द सेंस। कराते तो आपने कब शुरुआत की? अब मैं कराटे नहीं कहूँगा, कराते ही यूज़ करूँगा, तो कराते आपने कब शुरुआत की? मैंने 2004 में शुरुआत की कराते की। ओके, मेरे स्कूल में हमें फ्री में पढ़ाया जाता था, कौन सी एज थी वो? वो 10 साल के आसपास। 10 साल की एज में कराते ज्वाइन कर लिया आपने? ओके, वहाँ पे हमें फ्री में सिखाया जाता था। हाँ स्कूल में। बल्कि मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद था, पर फैमिली कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रहने की वजह से मैंने कराटे में खुद को मैंने इन्वॉल्व किया। पर तो क्रिकेट तो हम खेलते हैं ना, मतलब? हाँ खेलते हैं, पर एक पसंद रहती है सबकी उस अच्छा, समय। एकेडमी में पैसे लगते हैं? हाँ उस समय लगभग हम पूछने भी गए थे तो उसको 5 हज़ार की उसकी तो कीट ही थी, तो वो अच्छा पकड़ लो हाँ 5 हज़ार का तो हमारा राशन ही आ जाता था। ये बात तो सही है, स्लम तो की, कई स्लम की कहानी है ये। वो पॉसिबल नहीं हो सका, पर कराते किए, करते करते के अच्छा गेम बना, अच्छे प्लेयर बने, मैचेस खेले और काफ़ी अच्छा नाम भी बना कराते में। तो करते करते फिर उसको ही पकड़ लो हमने पैशन बना लिया। तो उसमें कुछ होता है ऐसा, मतलब ब्लैक बेल्ट्स होते हैं, वो प्रोसेस कैसे रही? तो देखिए एक पर्टिकुलर एज और प्रैक्टिस ऑफ इयर्स रहता है आपका, वो मैटर ओके करता है। कम से कम मिनिमम आपको 5 साल या 6 साल ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है कराटे के। आपको ए से जेड तक हर एक चीज़ पता रहना ज़रूरी है, जैसे ओके काताज हो गया, उसका कुछ क्योन हो गया, कुमी यानी बुझबुनकाइस होगी, यानी ये सब चीज़ें आपको पता हो रहना जो उसके चाहिए। मतलब क्या डिपार्टमेंट या नाम्स वगैरह कुछ अलग अलग पकड़ लीजिए। पोजीशन है? हाँ पकड़ लीजिए पूरा कराटे आपको समझने के लिए उसमें अलग अलग 3 डिपार्टमेंट पकड़ लीजिए उसका। एक है उसका क्योन, क्योन है उसका बेसिक, काता उसके फॉर्म, कुमिते उसमें फाइट। ये तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, जी। तो इसमें ही पकड़ लो। जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं तो आपको ब्लैक बेल्ट डिग्री, आप जब एग्ज़ाम देते हैं, जब एग्जामिनर आपको जज करते हैं, तो आपके प्रैक्टिस और अनुभव के आधार पे आपको फिर बेल्ट वो अवार्ड करते हैं। तो आपने जो जीता है ब्लैक बेल्ट जिसे कहते हैं, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन, ब्लैक बेल्ट सेकेंड डैन डैन। जो कहते हैं ना, फर्स्ट डैन सेकेंड डैन जो होते हैं, तो वो किस किस ईयर में मतलब आपने अचीव कर लिया था? मैंने 2016 में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन वो अचीव कर ओके लिया था। वो था काई से, कराटे इंडिया, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जी। उससे अचीव किया था। सेकेंड डिग्री फिर मैंने 2018 में अचीव किया, उससे 2 साल बाद वो कराटे को सा इंडिपेंडेंट से। थर्ड डिग्री मैंने 2022 में अचीव किया, जो ओके कि दिल्ली में असीहान भरत शर्मा सर ये का है। इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं मतलब? हाँ ये तो अभी नेशनल लेवल का था, फिर जी इंटरनेशनल लेवल पे 2023 में मुझे श्रीलंका से हॉनर हुआ,
जब उनको मैंने कांटेक्ट किया, फिर हम मैंने उनको बताया कि हम इस तरह से कराटे में काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो बच्चे गरीब है उनको हम फ्री में कराटे पढ़ा रहे हैं और जो गर्ल्स है उनको फ्री में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे काम को देखते हुए खुश होते हुए उन्होंने मुझे ब्लैक बेल्ट 4 डिग्री, जिसकी पकड़ लीजिए आज एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये उसकी कुछ फीस बनती है, तो उन्होंने मुझे फ्री में वो चीज़ें अवॉर्ड कर दी है। बहुत बढ़िया है। तो वो मेहनत है आपकी, आप सक्सेस होते हैं मेहनत से। हाँ। तो फिर उसके बाद ये तो आपका पर्सनल करियर था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की। क्लासेस जो स्टूडेंट्स को सिखाना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग सीखते हैं फिर भाग जाते हैं, मतलब स्लम में बच्चा जो सीखता है फिर वो जाके सिटी में बड़ा सा कुछ खोल लेता है या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर भागना चाहता है, स्लम के लिए कुछ नहीं करता। तो आपके दिमाग में वो कब आए कि नहीं मुझे स्लम के लिए करना होगा? देखिए कैसा है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है वो चीज़ को मैं जानता हूँ, और जो कंडीशंस मैंने फेस की है और किस तरह की हमें आगे रुकावटें आती है सब मैंने फेस किया है। तो ऐसे ही मेरी सेंसाई है रागिन चौधरी, वो काफ़ी मेहनती थी पर बहुत स्लम थे, यानी पकड़ लीजिए हमारी जो कंडीशन उतनी स्लम नहीं से आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका सिलेक्शन भी होता इंटरनेशनल्स के लिए पर पैसा ना होने के वजह से वो उस समय जा नहीं पाए। तो हम लोगों ने सोचे कि समाज के लिए कुछ करना है, आज हमारे पास पैसा नहीं है पर कला है तो कला के माध्यम में समाज को कुछ देना है। तो हमने कराटे एकेडमी की स्थापना की जिसमें हमने गरीब बच्चों को फ्री में यानी प्रशिक्षण देना चालू किया और गर्ल्स को भी फ्री में प्रशिक्षण। तो स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे फिर? स्टार्टिंग में जब हम चालू किए तब एक भी बच्चा नहीं था। हाँ। फिर उसके बाद से फिर हमने क्या किया, मेरे जो बस्ती में 2-3 बच्चे थे उनको जमा किया, फिर उनको 4 बच्चों से हमने वापस स्टार्टिंग किए, 4 करते करते एक साल में फिर 30-40 बच्चे हो गए। एक साल लग गया आपको 30 बच्चों तक पहुँचने के लिए? हाँ। फ्री में पढ़ाने के लिए एक साल लग गया 30 बच्चों तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पैसे जहाँ दिए जाते हैं वहाँ अक्सर लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, शायद फ्री की वैल्यू नहीं यहाँ से हम समझ सकते हैं, होता ही है। तो स्लम में भी वही सेम स्ट्रगल है, फ्री में आप कुछ भी करने जाओ लोग जल्दी मतलब आगे नहीं आते। बराबर, शायद उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी होगा या फिर ऐसा कुछ, शायद वो सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ को। उस समय रहता है वैसी, पर जब उनको पता चला कि हम क्या वर्क कर रहे हैं और किस तरह का जो हमारी ट्रेनिंग थी, फिर लोगों ने वो चीज़ें देखी है, फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, फिर 50-60, फिर अभी पकड़ लीजिए 150 के आसपास हमारे पास। तो अभी कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं आपके? अभी तो 4 चल रहे हैं। 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, और इसमें स्पेशली लड़कियों को फ्री में है। हाँ, लड़कियों और गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा, फ्री में है। तो जैकी चैन, ब्रूस ली, टोनी जा, मतलब मैंने तो टीवीज और इसमें ही मतलब ये कराटे देखा है, तो ये सेम है या अलग है? देखिए, ग्रैंड मास्टर ब्रूस ली, जैकी चैन और टोनी जा, ये जो करते हैं ये कुंग फू करते हैं। तो कुंग फू और कराटे मतलब अलग अलग है? हाँ, ये सब अलग अलग है, सबका अलग अलग फॉर्म है। पकड़ लीजिए चाइनीज में जो वो स्टाइल करते हैं उसको कुंग फू बोलते हैं, कराटे वाले जो अपनी स्टाइल करते हैं, सॉरी जापानीज लोग जो करते हैं उसको कराते बोलते हैं। जैसे हमने इंडिया में हम जब करते हैं, जैसे पकड़ ले देखा जाए तो अपने इंडिया से ही कराते का निर्माण हुआ या कुंग फू का हुआ, क्योंकि हाँ मतलब वो तो कराटे इंडिया से ही गया है कराते, और फिर वो चाइना गया, देन उसके बाद वो फैला चाइना से फिर वो जापान तक। तो ऐसा है उसका, तो ऐसी कहानी है कराटे की और कराटे से जो करियर है उसकी। तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, कि वो कराटे से क्या सीख सकते हैं और मोबाइल से कैसे बच सकते हैं, ये भी कह सकता हूँ मैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा है, पेरेंट्स ने ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल छुड़ाना है तो उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखना है। और पकड़ लीजिए कराटे इसलिए है क्योंकि बच्चा वहाँ पे फिजिकली स्ट्रांग होता है, अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होता है तो मेंटली भी स्ट्रांग होता है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेगा उतना उसका मेंटली उसका क्या बोलेंगे डेवलपमेंट होगा, और मोबाइल जो हो गया इससे ज़्यादा वो दूर रहेगा। तो अब कई सिचुएशन में फिर उसकी ज़रूरत भी तो पड़ती है आपको फिजिकली स्ट्रांग होने की। हाँ देखिए, मैं मेरे बारे में बता चाहूँगा कि मैं कराटे करता था, कराटे करने से मुझे इतना बेनिफिट हुआ, मैं कोई भी गेम खेल लूँ तो हर गेम में मेरा प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, कभी मुझे ज़्यादा उस बाकी चीज़ मतलब वो कराटे के साथ साथ आपका वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं इसलिए।
हम मेंटलिटी प्रिपेयर होते हैं कि यार किसी से अगर कुछ होता है, खास तौर पे लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा। और आज पकड़ लीजिए वो एक चीज़ से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब पकड़ लीजिए मैं कराटे प्लेयर था, आज कोच हूँ, मैंने पकड़ लीजिए कई मूवीज़ में भी काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने काम किया, खुद को बहुत अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर पाया। मतलब वो एक तरह से बहुत सारे स्कोप को आपके खोल सकते हैं, आपके लिए मतलब ऑप्शंस तैयार कर सकते हैं कराटे के थ्रू, क्योंकि आप प्रिपेयर हैं हर चीज़ के लिए। करेक्ट, स्ट्रांगली। तो अगर मैं ऐसे पंच करूँ तो आप तो मतलब उसको कर लोगे कवर, पर तुम करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ, लग जाएगी मुझे। सालों की मेहनत है, पावर है, तो वो शायद पंच भी ज़्यादा मजबूत हो जाए, ऐसा कुछ है हमारे नेचुरल वालों से? देखिए मुझे तो आता नहीं है। कैसा है, हम एक ही चीज़ें बार बार करते हैं, अगर बार बार करने से हमें उसमें पावर जनरेट होता है। ठीक है, तो पकड़ लीजिए अभी आप कंटिन्यू इंटरव्यू करते रहते तो आप पकड़ लीजिए जो आपकी शैली है बोलने की वो इतनी मजबूत है। तो पकड़ लीजिए आप वो चीज़ करके, अभी हम जैसी कर रहे हैं हमें थोड़ा सा हिचक होता है, पर आप कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो, बोल सकते हैं ऐसा कुछ। तो ये आपकी यानी सालों की मेहनत है, वो सेम वैसी है, आप जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ आपकी यानी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अक्षय मुझे ये बताइए, ये जो ब्लेजर है और इस पर ये जो निशान है ये किस बारे में है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसी कोई गेम होता है, गेम के चलाने के लिए रेफरीज की बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो पकड़ लीजिए मैंने नेशनल रेफरी की एग्ज़ाम दी थी दिल्ली में। okay. तो वहाँ पे जो मैंने पास हुआ था, तो पास होने के दरमियान फिर हमें ये बैच मिलता है, तो ये उसकी निशानी है। तो जब पास हो जाते हैं तो ये बैच हमें मिलता है। तो मतलब आप एक सेंसे के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ कराटे प्लेयर के साथ साथ एक रेफरी भी है। हाँ, इसके बारे में तो आपने बता दिया ये एक रेफरी के तौर पर है, और ये जो आप एक स्मॉल सा जो दिख रहा है वो किस बारे में रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा हॉनर है, मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसे श्रीलंकन ओलंपिक गोल्डन पिन से नवाजा गया है। ओके, तो मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे, जब मैं श्रीलंका में गया तब वहाँ पे मुझे, वहाँ पे जो बड़े बड़े डिग्निटरीज थे उनके रहते हुए मुझे सम्मानित किया गया। वाह, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तो ये मतलब एक इंटरनेशनल लेवल की जो आप उपलब्धि पाते हैं मेहनत से, एक स्लम से उठकर जो आप स्ट्रगल करते हैं, देन आप इस तरह पहुंचते हैं कि आपको सम्मानित किया जाता है, शायद यही उसका एक एक हैप्पी रिजल्ट है। वो पैसे से ज़्यादा मैटर करता है ऐसा कह सकते हैं? हाँ, हमने पकड़ लो पैसा नहीं कमाया, पर पैसे कई गुना ज़्यादा हमने इज्जत कमाई, और वो हमें उसका फल हमें मिल गया है, और आगे भी हमें ऐसे ही फल मिलते रहेंगे जो मेरे बच्चे काम करेंगे। नहीं, वो ज़रूरी है, कम से कम एक पैसा नहीं है तो कम से कम एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है जो प्रेरित करता है बहुत सारे लोगों को। तो थैंक यू सो मच सेंसेई अक्षय चौरे, एक बहुत अच्छा करियर, बहुत सारी मेहनत और खुद का करियर, प्लस 200 स्टूडेंट जो और बढ़ने वाले हैं उनका करियर बनाने के लिए और हमसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच।